गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला कारागार गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम योगी ने सैनिक सम्मान समारोह का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि सैनिक संत की विचारधारा एक होती है, देश का जवान हम सबको सुरक्षा देता है, सभी को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। सीएम योगी ने सैनिकों का किया सम्मान, सैनिक संत की विचारधारा को बताया एक। भारत में सब सुरक्षित, बटे होने की वजह से देश का हुआ बंटवारा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला कारागार गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम योगी ने सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सैनिक संत की विचारधारा एक होती है, देश का जवान हम सबको सुरक्षा देता है और सभी को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में माइनस डिग्री पे टेम्परेचर पे स्वयं की चिंता के बगैर पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करने वाले अपने वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शहीद सम्मान सप्ताह का आयोजन किया है। सीएम ने कहा कि बटे होने की वजह से देश का बंटवारा हुआ, जातिवाद के नाम पर लोग बटे हुए थे। भारत जीता जागता एक राष्ट्र है, भारत के सपूतों ने अपना बलिदान दिया। देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि हम बंटे थे आपस में। राष्ट्र केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र है और राष्ट्रभक्ति की इस भावना को अंगीकार करने के लिए ही भारत माता की इन अमर बलिदानियों ने अपना सर्वस्व निछावर भारत की आजादी के लिए किया। सीएम ने सैनिकों के सम्मान के साथ ही देश में एकता का संदेश दिया और बांटने वाली सोच को दूर रखने की नसीहत भी दी। गोरखपुर से भारत समाचार के लिए विकास शाही की रिपोर्ट।